हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफिनिटी बुल, मनी सिंप्लीफाई लाइफ एंड वी सिंप्लीफाई ट्रेडिंग। आज मार्केट में हमें वन साइडेड सेलिंग देखने को मिला है, ठीक है। और ये चीज़ मैंने आपको कल की एनालिसिस में ज़रूर बताई थी कि आज मार्केट में आ सकती है भारी गिरावट। आज निफ्टी के लिए 21,800 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में सब में वन साइडेड सेलिंग आया है, ठीक है। अब इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट अब सपोर्ट लेगा या मार्केट इसी तरह से फॉल करेगा। तो गाइस, इसी चीज़ को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको भी देख सकते हैं। बट अगर आज जिन लोगों ने इसको वॉच किया होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को कहीं जाना पड़ गया था, उसके कारण मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया इस पर। आज देखिए, मैंने आपको बताया था एंड निफ्टी 21,650 की कॉल, 21 और ये देखो पुट दिया भी है, ठीक है, पुट दिया है, लेकिन उसमें क्या क्या 110 हाई करने के बाद ना वो 89 तक गया है। 90 का एसएल था, 89 तक गया है, तो हमारा एसएल कहीं ना कहीं हिट हो गया है, हमने बुक नहीं किया। उसके बाद एक कॉल प्लान हुई थी लेकिन कॉल हिट नहीं हुई थी। अगेन जब पुट का प्राइस 104 आया, हमें दोबारा बाय करना है। जो इस ग्रुप पे ऑलरेडी काम करते हैं उनको पता है इतना, तो देखो ट्रेडर को सोचना ही पड़ेगा। अगर बाइंग दोबारा आ रही है, दोबारा बाय करना है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते ये 104 से 650 तक भी गया है आज, ठीक है। खैर वो तो अलग की बात है। तो आज बेसिकली कल के लिए, कल बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी है, तो कल क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उसी को वन बाय वन देखते हैं और किस तरह के लेवल्स बने हुए हैं। और मैं ये भी दिखाऊंगा कि दो स्क्रीन पे काम करने का क्या बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है ना, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए कि ये डाउट हो रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी चीज़ों को और क्लैरिफाई और बेहतर तरीके से आप तक उस एनालिसिस और उस रिसर्च को लेके आऊँगा, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में। एक मिनट देना, मैं जरा लाइक ये पेन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, समझाने में ज़्यादा आसानी हो जाती है इसके साथ। और आप कमेंट सेक्शन में गाइस ये ज़रूर लिखिए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ठीक है, आपको कुछ सीखने को मिलता है नहीं मिलता। ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं, आज यहाँ से मार्केट ने पूरा शार्प फॉल दिया है। और अगर ये एक घंटे का चार्ट आप फॉलो कर देख रहे हैं अभी फ़िलहाल निफ्टी के लिए, और मार्केट कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है, सिंपल फॉल करता गया, ठीक है। अब सवाल ये होना चाहिए क्या ये फर्दर फॉल करेगा, ठीक है, अगर करेगा तो कहाँ तक करेगा। अब इसके लिए देखो बात कर लेते हैं, कल निफ्टी के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है, 21,153, आप इसको मान के चलिए, हम एक राउंड फिगर ले लेते हैं 150, यानी 21,150 का जो लेवल है ना वो एक सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है, ठीक है, तो जो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा कहीं ना कहीं इधर मिलेगा, जो कि है 20,900 का, ठीक है, ये सेकंड सपोर्ट मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो, ठीक है। अगर आपको देखना है कि लेवल्स कितने एक्यूरेटली काम करते हैं तो मेरी कल की वीडियोस या प्रीवियस जो मैं वीडियोस डालता हूँ उस पर वॉच कर सकते हैं, ठीक है। इन सारे लेवल्स की अपनी एक रिलायबिलिटी है, बहुत ही प्रिसाइज सिलेक्ट करके लेवल्स आते हैं, ठीक है। तो पहला सपोर्ट है क्या अब निफ्टी के लिए 21,150 का। अगर देखो ये साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि एक ऐसा फिगर है कि हाँ भाई यहाँ पे OI डेटा ये सब भी काफ़ी वर्क करता है। अगर ये ब्रेक होता है तो कल आप मान के चले मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल पे आ सकती है 20,900। हमेशा ट्रेडर ये ना सोचे कि इतना फॉल कर गया है और फॉल नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता है। यहीं तो एक लाइक ट्रेडर की दिक्कत हो जाती है, उसको लगता है इतना फॉल कर गया अब क्या ही फॉल करेगा, अब तो उठेगा, ऐसा नहीं होता। जब सेलिंग इतना ज़्यादा आ रहा है तो वो और सेल होने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो कल के लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है 21,153, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट अगले सपोर्ट पे आके बैठेगा जो कि है 20,900। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो उसके बाद ये वाला सपोर्ट बसता है 20,777 का, ठीक है। तो ये तो निफ्टी के नीचे के सपोर्ट लेवल हो गए। और अब ऊपर के अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ, ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस क्या है 21,419,
ठीक है। अब आप ये मान के चले मार्केट इसके नीचे है ना, तो अब मेरे लिए क्या है, मार्केट बेरिश है, ठीक है, मार्केट बेरिश है। अब मार्केट में क्या करना है आपको, जब जब देखो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और उसके बाद एक कंफर्मेशन आती है और इसके भी ऊपर निकल जाता है जो कि है 21,536, आप इसको मान के चलिए 21,550, अगर कल के दिन मार्केट में एक बड़ा गैप अप होता है और इसके ऊपर चला जाता है ना, तब आप पुट नहीं प्लान करेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग देने के बाद मार्केट गैप अप ओपन होता है और ऊपर चलने लगता है, तो कभी भी मार्केट की फोर्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। एक चीज तो आप ये समझते हैं कि मार्केट को नीचे कौन लेके आया, ये सेलर लेके आया है, ठीक है, सेलर की भी अपनी एक ताकत है, ठीक है भाई। अगर मान के चलते हैं सेलर निफ्टी का कोई सेलर है, ठीक है, और उसने मान लो यहां पे सेल किया हुआ है, अब उसको इतना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, अब मान लो कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर चलने लगता है, उसकी तो पोजीशन लॉस में आएगी ना, तो जब वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा तो मार्केट में फिर और ऊपर का मूवमेंट आएगा, तो इसलिए मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंग चलता है जो कि बायर और सेलर की फोर्स है, ठीक है, बायर और सेलर की फोर्स है। तो अभी आज तो हमने सेलिंग देखी, कल हो सकता है ये सिनेरियो हो कि मार्केट गैप अप करे और कॉल साइड के ट्रेड, देखो कॉल साइड के ट्रेड तभी प्लान होंगे जब मार्केट इस 21,550 के अबव रहेगा तभी, अदरवाइज आपको क्या करना है, बहुत ही बेसिक थियोरी होती है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है, तो हमें क्या होता है, ये जो स्विंग बन रहा है ना, ठीक है, ये एक लो है और एक ये आपका लोअर हाई, जब भी मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करेगा तो हम वहां पे पुट का प्लान करेंगे हमेशा, ठीक है, ये हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं ढूंढना है कि सपोर्ट मिल गया मार्केट ऊपर जाएगा, हमें यहाँ पे ये लोअर हाई पे रेजिस्टेंस ढूंढनी है ताकि मार्केट एक बड़ा फॉल दे, ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर कॉल प्लान करेंगे, उससे पहले हम लोग कॉल प्लान नहीं करने वाले। अगर कल मार्केट गैप अप भी खुलता है इस एरिया पे, तब भी अगर मार्केट ऊपर चलने लगेगा तब भी कॉल का ट्रेड प्लान नहीं होगा, हो सकता है मार्केट ऐसे जाके फिर फर्दर फॉल करे, ठीक है, अभी मार्केट ने ये स्विंग दिया है, कल हो सकता है थोड़ा सा जाए फिर फॉल करे, तो आपको क्या करना है, जब जब एक लोअर हाई क्रिएशन होगा तब तक पुट का प्लान करना है, ठीक है, और अगर मार्केट ये ऊपर निकलने लगेगा, ठीक है, तो 550 के ऊपर तो आप ऑब्वियस सी बात है कॉल का ही प्लान करेंगे, तो पहला टारगेट इसी के आसपास ले लेना, ठीक है, उसके बाद एक 21,800 का एक लेवल है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, मैंने मार्क नहीं किया हुआ, 21,800 का एक लेवल है, उसके बाद 21,900 का एक लेवल है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो ये है फिलहाल आपके निफ्टी का कल के लिए, ठीक है, और अब मैं निफ्टी में जनरली मैं निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि शुरू से मैंने निफ्टी किया है, आप इसको बैंक निफ्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, अगर आप ये देखें, ठीक है, दो टाइम फ्रेम मैं अब आपको थोड़ा सा सिखा दूँ, ठीक है, देखो ये और प्लस ये दो टाइम फ्रेम आपको ना रखने पड़ेंगे, आप अगर आप नोट करेंगे तो ये आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये आपका 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब 3 मिनट में ये फायदा होता है कि हमें उस पर्टिकुलर कैंडल जो 15 मिनट में फॉर्म हो रही है उसके अंदर का माइक्रोस्कोपिक व्यू मिल जाता है, ठीक है, आप भी ये दो चीजें लगा के वर्क करके देख सकते हैं, काफी हेल्प मिलेगी, जैसे ये लेवल है ना, ठीक है, अगर हम यहाँ इस लेवल की बात करें, आपको मैं दिखा देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, अभी देखो इस लेवल पे हो क्या रहा है, अगर मैं ये सोच रहा हूँ ये वाला जो सपोर्ट 21,538 का है ये ब्रेक करेगा, ठीक है, अब ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया है, मार्केट देखो कम से कम ना करते करते 538 से कितना पॉइंट डाउन आ गया, ठीक है, अगर आप 3 मिनट पे जाएंगे ना, ये टाइमिंग नोट कर लो, 11:30 11:30 11:30, ओके, ये देखो यहां से ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था ये वाला ना, अब देखो यहां पे, अब जब आपने 3 मिनट के चार्ट पे ये मार्क किया हुआ है कि ये लेवल ब्रेक होगा तो आपकी एंट्री बन सकती है, लेकिन देखो अब ये वाला लेवल अगर आप नोट कर रहे हो, देखो ये लेवल 3 मिनट में ब्रेक हो चुका है, 15 मिनट में तो बाद में दिखेगा ना, ठीक है, तो ये फायदा होता है कि आप एक बड़े लेवल और एक छोटे लेवल को दोनों को साथ में मिला के काम करते हैं,
और इसमें एक ये मैंने ईएमए लगा रखा है, ये बहुत एक्यूरेटली काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे आता है और कोई भी 3 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग इसके नीचे आ जाता है ना, तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, इस ईएमए के नीचे आ गया ना 3 मिनट का कैंडल, तो आप यहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली दो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर। अब बैंक निफ्टी के भी लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी देखो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट बने हुए हैं। ठीक है, एक तो बैंक निफ्टी में कल के लिए ये लेवल बहुत काम आने वाला है, और नीचे की तरफ सपोर्ट के मैं दो लेवल आपको बताऊंगा, एक ये लेवल और एक आपका बॉटम की तरफ से ये लेवल। अभी बैंक निफ्टी की अगर आप बात करोगे ना, ठीक है, बैंक निफ्टी में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जो कि है 45,300। ये वाला जो लेवल है ना, ठीक है, देखो लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं इसमें, ठीक है, ये देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट हुआ, अगेन नीचे आ रहा है ना, तो ये वाला जो लेवल है ना 45,300 का, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कल के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है ना, ठीक है, तो हम छोटे टारगेट के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ छोटे टारगेट के लिए कॉल प्लान करेंगे इस लेवल के लिए 45,900, ये लेवल सही है। 45,900 तक का आप एक कॉल प्लान कर सकते हैं। तो हो क्या कर सकता है, कल मार्केट ऐसे आया, ऐसे जाके फर्दर गिरे, तो अगेन मैंने क्या बोला, ये लोअर हाई क्रिएट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा ना, तभी कॉल साइड के ट्रेड बड़े टारगेट के लिए प्लान होंगे। अगर कल मार्केट 45,300 के ऊपर रहता है, सस्टेन करता है, और कुछ कैंडल्स का स्टार्टिंग की 5 मिनट या 3 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट आता है, तब आप एक छोटे टारगेट के लिए कॉल प्लान कर सकते हैं इस लेवल के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी कॉल की सारी पोजीशन एग्जिट करनी होगी कि जब तक ये लेवल क्रॉस ना करे। इसके ऊपर तो कंफर्मेशन है कि कॉल फिर एक अच्छा टारगेट देगा, और अगर कल मार्केट इसके नीचे रहता है और नीचे आने लाइक आपको आज का लो भी ब्रेक हो रहा है, तो पहला टारगेट आप 44,600 के, जो राउंड फिगर होगा 44,600 का एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है, उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं 43,742 पे आके अगला सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो ये बैंक निफ्टी का कल के लिए व्यू है। ठीक है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल मैं आपको बता रहा हूँ एक बड़े मूव एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आज भी बड़ा मूव आया है। इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं आएगा, क्योंकि ये देखो अब वो अपने एक कह सकते हैं जिगजैग जोन से बाहर है। ठीक है, तो अब मोमेंट हो सकता है रिवर्सल एक बड़ा आए, या फर्दर ये हॉल्ट लेके फर्दर गिरे, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो कल अगेन हम लोग टेलीग्राम पर मिलेंगे। ठीक है, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं फॉर दी लर्निंग और अर्निंग पर्पज से। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप इस लाइक यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स में और जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उसमें शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।